नमस्कार जी, हम हैं आचार्य धर्मवीर जी के आश्रम में, जिन्होंने यकीन मानिए जिनका नाम धर्मवीर जी होता है, वाकई में वो वीर हैं जो धर्म के साथ अपने कर्म के लिए डटे रहे और तीन दिवसीय जो भूख हड़ताल थी उसकी धुरी रहे। 3 दिन से धर्मवीर जी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। आज ईश्वर के असीम अनुकंपा से हमारे जो मकसद की प्राप्ति हुई उसके बाद भूख हड़ताल आज खत्म हुई। तो धर्मवीर जी, सबसे पहले तो आपका हृदय की गहराइयों से आभार कि आपने सब साथियों के दर्द को अपना निजी दर्द माना। तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं 3 दिन की भूख हड़ताल के बाद? 3 दिन से आपने सिर्फ पानी पे थे आप, और अन्न का एक कण भी आपने अंदर नहीं जाने दिया। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? नमस्कार सुधीर जी, मेरे को किसी प्रकार की कोई कमजोरी फील नहीं हो रही, न कोई थकान है, पूरी ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। और आज मैंने जो यूनिटी देखी तो शायद सबकी जो आध्यात्मिकता थी, सबकी जो पावर थी, पास रहने की जो शक्ति थी, मेरे को लग रहा था कि कई शक्तियाँ मेरे साथ काम कर रही हैं। और मतलब 3 दिन हो, और आगे भी अगर 3 दिन और रहना पड़ता तो शायद मैं रह लेता, ऐसा मेरा विश्वास है। और लोग नवरात्रों में भी रहते हैं, क्योंकि भारत जो देश है उसमें आध्यात्मिकता का महत्व है, उपासना का महत्व है एक सच्चाई के लिए, और ये होना ही चाहिए था। ठीक है, ये सेहरा मेरे नाम बंधा, करमवती मैडम थी, कोई और भी होता तो वो भी शायद ये करता। क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक राष्ट्र की धुरी है, आचार्य चाणक्य ने भी ऐसा ही किया था, और हम चाणक्य तो नहीं लेकिन उनके पद चिन्हों पे तो चले हम, और ये ज़रूरी था तो हमने ये हंगर स्ट्राइक की, और वो मैंने अकेले ने नहीं की, और मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। आप सबके प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण और सहयोग से इस अवसर हो पाए। तो अभी आपने कुछ आहार लिया है? हाँ सर, देखो हमारा जो विषय है ये कैसे हमें उपवास शुरू करना चाहिए और कैसे ख़त्म करना चाहिए, बीच में क्या क्या लेना चाहिए, इसकी पूरी प्रक्रिया हमें पता है, हमारे स्टूडेंट्स को भी हम पढ़ाते रहते हैं, पिछले 10-15 सालों को इस चीज़ का अनुभव है। हाँ, लेकिन भूख हड़ताल में बैठने का ये पहला अनुभव है, वैसे अनुभव है खुद पर्सनली कि कैसे उपवास शुरू करते हैं, कितने दिन पहले प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन ये पहले का कुछ नहीं पता था, अचानक बैठ गए थे। नहीं, हमें पता लगा कि सुबह भी आप खाना नहीं खा के गए थे 12 तारीख को, और आप अपना बिल्कुल हमें विदित है कि 12 तारीख को भी आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके गए थे, अपना लंच लेके गए थे, लेकिन साथियों ने बताया कि आप वो ब्रेकफास्ट कर भी नहीं पाए थे, और सायास रूप से अचानक जब नाम का चयन किया जाना था तो बस ईश्वर ने आपको निमित्त बनाना था, तो ईश्वर की जो रजा थी उसमें आपका नाम आया। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत सारे साथियों के लिए प्रेरणा बने हैं। अब मेरा आपसे बस इतना क्वेश्चन और है कि आप अपने साथियों के नाम कोई संदेश देना चाहें तो क्या संदेश देंगे आप? जी सर, बिल्कुल नहीं रहा असर दुआओं में, क्योंकि खोट आया हमारी आत्माओं में। पहले लोग दुआ से ही ठीक हो जाते थे, दवा की जरूरत ही नहीं होती थी। तो रियली में जो हमारे सब साथी थे वो बहुत ही अच्छे से संगठित थे, और मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर वो संगठित रहें। इसमें मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, ना किसी और का पर्सनल है, इस यूनिवर्सिटी के भविष्य के लिए, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए, और सच में ही शिक्षा का जो क्षेत्र है इसके भविष्य के लिए सबको संगठित रहना जरूरी है। मैं देखो, मतभेद हो सकते हैं, मैं अक्सर कहता रहता हूँ किसी बात के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और हमारी जो लीडर हैं रियली में कर्मवती, जो बहुत ही कर्मठ पुरुषार्थी हैं, सच में मेरे बैठने के पीछे जो 99% जो कारण था वो सच में मैडम का जो एक कर्मठता थी, उनका जो विश्वास था, उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मैं तो बैठूं ही नीचे, कोई बैठे या ना बैठे। मतलब एक लीडर में यही गुण होते हैं कि अलग से कि मैं तो बैठूंगी, कोई बैठे या ना बैठे। और तो कहीं वहीं से ही मेरा मन पिघल गया कि देखिए, एक महिला होकर और वो भी दिल्ली जितनी दूरी से यहाँ पर आकर, और हम सब के लिए बैठने के लिए तैयार हैं, और हम पुरुष वर्ग हैं, और फिर भी हम उनका सहयोग ना दें तो ये तो अच्छा नहीं लगता। तो सारे मिलकर रहें इन फ्यूचर, और मेरा संदेश ये है कि हमें वास्तव में मैं बहुत इंस्पायर हूँ, मैडम बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही हंसमुख जो है मैडम का स्वभाव है, तो आते जाते मिलते हैं मैम, तो बहुत रिस्पेक्ट करती मैम, तो अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी आते जाते मैम से मिलें, उनसे बात करें, अपनी समस्याएं रखें, और वास्तव में हम सबको हफ्ते में
या 10 दिन में एक बार जरूर मैम से मिलना चाहिए। कोई जरूर नहीं कि मैम हम सबसे मिलने आए, हम सबका फर्ज बनता है अलग अलग डिपार्टमेंट से, कभी वो जाकर मिल के आ गए, कभी वो जाके, ताकि उनका हौसला बढ़ता है और उनको लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा जो गेस्ट या रिसोर्स पर्सन है वो पूरा एक परिवार जुड़ा हुआ है। तो सच में मज़ा आएगा अगर सब संगठित रहेंगे, क्योंकि अकेला व्यक्ति या अकेली कोई भी चीज़ ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकती, संगठन में ही कोई बड़ा काम हो पाता है। चाहे कोई भी लगा लीजिए, दुनिया में जितने बड़े काम हुए सब संगठन से मिलकर हुए हैं। तो हमारा संगठन का मकसद ना कोई राजनीति है, ना कोई और दूसरे काम है, हम सब का ये है कि भाई सबको अपना हक मिल जाए और सब जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी, उनकी अच्छी पढ़ाई हो, और इन फ्यूचर क्या क्या नए अपडेट हम कर सकते हैं, जो जो कमियां हैं उनको हम मिलकर ही दूर कर सकते हैं। तो बहुत बातें हैं, तो सुधीर जी ये मेरा संदेश है सभी को कि मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं होना चाहिए। जिनके थोड़ा बहुत मतभेद है वो आकर अपना दूर कर लीजिए, क्योंकि वो कहते हैं कांटा तो निकल ही गया है, तो जो मेन चीज़ है वो तो निकल चुकी है, बस आप साथ आइए। करमती मैडम भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि आप नहीं आ पाए किसी कारण तो आप आ सकते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना कुछ है, हम सब शिक्षक हैं, विद्वान हैं, तो सभी का स्वागत है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, कहने का मतलब इतना ही है, ना तेरा है ना मेरा है, स्वाभिमान सबका है, संगठित रहे तो ठीक है, वरना नुकसान सबका है। धन्यवाद, शुक्रिया सर।